हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजी सावित्री कुकिंग एंड ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले चलती हूं हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी में बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर गणेश पंडाल बने हुए। तो मैं अभी आई हूं गन चौक आशीर्वाद मंडल गणेश पंडाल पे। तो यहाँ देख सकते हैं अंदर में बहुत सुंदर सजावट हुई है, जो झूमर लगे हुए हैं उसके लाइट है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ झांकी के रूप में कृष्ण के बाल रूप को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि कान्हा जी का बाल्य रूप पूरा समुद्र जैसा, समुद्र मंथन है, दही लूट है, रासलीला है, ये सब चीज़ का आपको आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ छोटा सा झांकी भी बना हुआ है, तो जैसे हम गणेश पक्ष में झांकी आता है ना, उसे तरीका को छोटा रूप में दर्शाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति को बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ लड्डू गोपाल जी पहले बैठे हुए हैं, उसके जस्ट ऊपर में है गणपति पप्पा और रिद्धि सिद्धि, और उनके जस्ट ऊपर में बने हुए हैं शिव परिवार। देख सकते हैं भगवान शंकर जी है, माता पार्वती है, गणेश जी हैं और कार्तिक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बगल में शेर बैठे हुए हैं, और यहीं पर बहुत सुंदर पंचमुखी शिवलिंग भी बना हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर शिवलिंग बना हुआ है, मयूर भी यहाँ पर स्थापित है। तो ये शिव परिवार है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ बहुत जनसंख्या में देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बाद आपको मिलेगा कृष्ण जी का बाल रूप। तो देख सकते हैं छोटा रूप में झांकी, जैसे हमारे राजनांदगांव में झांकी निकलता है गणेश के दसवें दिन, तो ऐसे निकलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा सा झांकी बनाए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप बाल्य रूप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कारागर वास बनाया है जहाँ कान्हा जी जन्म लिए थे उसको। उसके बाद यहाँ पर यमुना नदी को पार करते हुए दिखाए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं झूला झूल रहे हैं कदम पेड़ के नीचे। और यहाँ पर मेला का, और देखो सर्प वाला जैसे बॉल खेल रहे थे कान्हा जी, फिर समुद्र में चले जाते हैं ना, फिर लेने जाते हैं, वो है ये। और उसके बाद देखो रासलीला हो रहा है, कान्हा जी बीच में हैं और आजू बाजू गोपियाँ हैं, और ऐसी अनेक प्रकार की है। तो देख सकते हैं नीचे में समुद्र मंथन दिख रहा है, तो पूरे जिनके बाल रूप में है वो है पूरा, आप देख सकते हैं। एक बार और आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो आप राजनांदगांव शहर से तो आप ज़रूर आइए, आशीर्वाद मंडल का गणपति पंडाल ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगी। और अभी माहौल बहुत अच्छा है इधर, बहुत अच्छी अच्छी और इसके अलावा बने हुए हैं गणेश पंडाल। और जैसे बाहर के हैं तो आप वीडियो से देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमारे संस्कार धानी की झांकी आपको कैसे लगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख लिए हैं सभी चीज़ को आप, झांकी को। तो आप इसको पास से आकर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कान्हा जी गाय सब चीज़ को यहाँ पर छोटे छोटे रूप में दर्शाए, बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट गणेश पंडाल पे। जला कर मोरे मन कर दो जियारा, मेरा गलत है दोनों हाथ से। ये
I'm gonna go to the hospital.